सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और भाभी चारू असोपा ने हर किसी को कंफ्यूज कर दिया है। जहां एक तरफ कोर्ट में दोनों के तलाक की प्रोसीडिंग चल रही है, जहां दोनों फिलहाल 6 महीने की काउंसलिंग पीरियड पर हैं, वहीं सुष्मिता के भाई ने चारू असोपा का जन्मदिन ऐसे मनाया जैसे मानो दोनों में कोई मन मुटाव हो ही ना। जी हाँ, कुछ महीने से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन आज भी चारू राजीव संग पार्टी करती नजर आती है। बता दें कि इस पार्टी की तस्वीरें खुद चारू और राजीव ने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर शेयर की। राजीव ने चारू को जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे चारू, आपको हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के साथ ढेर सारा प्यार। इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस के अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए। किसी ने लिखा कि तुम दोनों चाहते क्या हो, तो किसी ने दोनों की जोड़ी के सलामत रहने की दुआ मांगी, किसी ने लिखा अब झगड़ना नहीं और झगड़ो तो बात तलाक तक मत लाना, तो किसी ने लिखा कि तुम साथ हो या अलग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बता दें कि अपने एक इंटरव्यू में चारू असोपा ने ये बात साफ साफ कही थी कि मैं और राजीव अलग हो रहे हैं और हमने अपने अलग होने के फैसले को वापस नहीं लिया है। चारू ने कहा था कि लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर किया है और राजीव भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें ये भी बताते चलें कि दोनों की शादी साल 2019 में हुई थी। इस शादी के कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। वेल, अब फाइनली दोनों लीगली अलग होने जा रहे हैं। खैर, अच्छी बात ये है कि दोनों का रिश्ता नफरत पर आकर खत्म नहीं हुआ। दोनों के दिलों में अब भी एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार बाकी है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।